तो दोस्तों क्रिकेट के दुनिया से कई बड़ी अपडेट है। यहाँ दोस्तों CSK से अपडेट जुड़ी हुई है, टीम इंडिया से अपडेट जुड़ी हुई है, इसके अलावा सुपर किंग से भी अपडेट जुड़ी हुई है। तो उन सभी बड़ी खबरों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें क्रिकेट की दुनिया से उन सभी बड़ी खबरों के बारे में, तो जो सबसे बड़ा अपडेट है टीम इंडिया के बॉलिंग कोच को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, कई नाम है जो कि अभी टीम इंडिया का बॉलिंग कोच को लेकर चल रहा है। इसमें मोनी मोलकर है, जहीर खान है। जी हाँ दोस्तों, और बता दें जो सबसे बड़ा अपडेट है कि जहीर खान बन सकते हैं टीम इंडिया का बॉलिंग कोच, क्योंकि साफ कर चुका है BCCI कि पहला ऑफर जहीर खान के पास गया है। अगर जहीर खान रिजेक्ट करते हैं तब मोनी मोलकर के पास जाएगी BCCI बॉलिंग कोच बनने के लिए। और ऐसा बेहद ही कम लग रहा है कि जहीर खान जो कि रिजेक्ट करेंगे BCCI की ऑफर, वह बिल्कुल टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनना चाहते हैं। गौतम गंभीर से भी शायद बात हो चुकी है। ऐसे में जो टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच होगा जहीर खान होगा। जहीर खान के बारे में कोई नहीं जानता है तो बता दें कि वर्ल्ड कप 2011 का जो टीम इंडिया जीती थी उसमें जो सबसे बड़ा हीरो थे टीम इंडिया के लिए वह थे जहीर खान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस क्वालिटी के तेज गेंदबाज रहे हैं जहीर खान। तो अगली बड़ी खबर का बात करें तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है MS धोनी से। जी हाँ दोस्तों, MS धोनी के फैंस के लिए बेहतरीन खबरें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से यह माहौल बना रहता है कि क्या MS धोनी 2025 IPL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कई तरह की खबरें भी निकल के आती है, लेकिन बता दें कि अब बेहद ही बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि MS धोनी IPL 2025 खेलने वाले हैं, यह कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वह रांची में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर MS धोनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब यही है कि MS धोनी IPL 2025 खेलेंगे। जी दोस्तों, फार्म हाउस में प्रैक्टिस कर रहे थे MS धोनी, तो यह बात कंफर्म करती है कि MS धोनी IPL 2025 खेलेंगे। अगली बड़ी खबर का बात करें तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ से। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया से कमाल कर रहे हैं, जिम्बाब्वे दौरे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब T20 रैंकिंग में नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं थाला फॉर रीजन। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है नंबर 7, जो कि बिल्कुल MS धोनी को ही समर्पित कर दिया गया है ऐसा लगता है, और बिल्कुल ऐसा सही भी है, क्योंकि MS धोनी ने जो किया है शायद ही कोई खिलाड़ी कर पाए इंडिया टीम से या फिर CSK से या फिर कहीं क्रिकेट में। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर का बात करें तो दोस्तों यह खबर जुड़ा हुआ है TSK से, यानी कि टेक्सास सुपर किंग से। जहाँ दोस्तों मुकाबला हुआ था और डेन कॉनवे इंजर्ड हो गए थे, हारिस रोप के बॉल पर चोट लगा था उनको उंगली पर, वही उंगली जो सर्जरी कराए थे कुछ महीने पहले, जिसके वजह से बेहद ज़्यादा तकलीफ में भी देखे। अब इसी के लेकर अपडेट है। जहाँ दोस्तों बता दें कि चोट उतना गहरा नहीं है, ऐसे में वह फिट है और अगला मुकाबला जो है वह खेलते हुए नजर आएंगे टेक्सास सुपर किंग के लिए डेविन कॉनवे, जो कि एक बेहतरीन खबर भी है टेक्सास सुपर किंग के लिए, क्योंकि डेविन कॉनवे एक बड़े खिलाड़ी है, बड़े मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही थी क्रिकेट की दुनिया से। आपका क्या राय है इन बड़ी खबरों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।